फिलहाल ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। उन्नाव में 8 दिसंबर को लापता हुई युवती का शव, आरोपी की खाली जमीन से शव बरामद किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर युवती का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में शहर कोतवाल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मृतक युवती की मां ने पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह की मिले भगत होने का लापरवाही करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी निवासी दलित महिला रीता की बेटी पूजा 8 दिसंबर से गायब थी। पीड़िता की मां ने 9 दिसंबर को ही पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह के खिलाफ तहरीर देकर बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सपा के पूर्व राज्य मंत्री और कद्दावर नेता रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे के जुड़ा होने के चलते पुलिस इलाहवाली कर रही थी। वहीं इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण की हत्या को लेकर सपा नेता पर शक जता रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने कई जगहों पर मतदाताओं से संपर्क कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करी है। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को कैंटोनमेंट स्थित तो होटल डी पेरिस में भाजपा के मीडिया सेंटर में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का आज मतदान हुआ। यहां की जनता इस बात का संकेत दे दिया है कि ईवीएम में कमल ही कमल खिल रहा है। कोरोना से काशी आते आते बीजेपी के पक्ष में दोगुना लहर होगी और विपक्षियों का सुपड़ा साफ होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि महागठबंधन वाली पार्टियों को जनता उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि पूर्व में महागठबंधन की सरकारों ने जनता का जीना हराम कर दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वो भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी ससुराल मुरादाबाद में रोड शो निकाला तो पार्टी के प्रत्याशी रिजवान कुरैशी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन पर बिना अनुमति रोड शो निकालने का आरोप लगा है, जिस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट रिंकू की तहरीर पर मुंगलपुरा थाना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। मुगलपुरा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद आरोपियों के नाम शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनुमति केवल वाहनों की मांगी गई थी, बिना अनुमति के रोड शो करने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। मिर्जापुर में किसानों ने बंद रहे टोल प्लाजा का विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टोल प्लाजा बंद नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। किसानों ने कहा कि टोल प्लाजा नियम के विरुद्ध बनाया जा रहा है, जबकि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में टोल प्लाजा बना हुआ है, फिर क्यों टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। फतेहपुर में गांजा बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि गांजे की बिक्री का काम पुलिस चौकी से चंद्र कदमों की दूरी पर हो रहा है, लेकिन पुलिस को पता तक नहीं है। महाराजगंज में सिसवा विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल जनसंपर्क करने पहुंचे और वहीं जनसंपर्क के दौरान लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फतेहपुर के चितौरा क्षेत्र में 2 दिन पहले किसान की निर्मम हत्या कर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि किसान के 3 दोस्त ही किसानों के हत्यारे निकले हैं। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और बस ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हमीरपुर में शौच के लिए खेत पर गई 13 साल की मासूम के साथ खेत मालिक ने जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ललितपुर में अवैध संबंधों के शक में छात्र को बंधक बनाकर बेरहमी से पीट दिया गया, जिसके बाद पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया। मारपीट से छात्र की आंख और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कार नहर में गिर गई, वहीं हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी के शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। रायबरेली में विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोपी मृतका का जेठ ही बताया जा रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई।
अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में दो कारों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। भले ही कर्नाटक कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दे दी हो, लेकिन हिजाब का विरोध करने वालों के खिलाफ आज इलाहाबाद में मुस्लिम महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है। स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर कर्नाटक में कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा किया था, जिसको लेकर पूरे देश में हिजाब पर बहस छिड़ गई। आज महिलाओं ने अटाला इलाके में जमकर प्रोटेस्ट किया और साफ कहा है कि हिजाब इस्लाम का ही हिस्सा है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। कर्नाटक में हुए हिजाब मामले पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान भी सामने आया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद सदर में कांग्रेस प्रत्याशी अपनी पत्नी लुईस खुर्शीद के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि प्रियंका गांधी जी ने इस बात को पत्रकारों के सामने स्पष्ट किया है। इस देश में हमारे संविधान में और हमारे कानून में हम किसी व्यक्ति विशेष पर कहें वही जैसे चले, वो कैसे कपड़े पहने, कैसा खाना खाएं, इसका कहीं पर किसी को कोई अधिकार नहीं है। ललितपुर के बार थाना क्षेत्र में मां और 6 साल की बच्ची कुएं में गिर गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मासूम को समय रहते बचा लिया। वहीं मां की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ में कार और बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो चालक सहित 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बादा में अज्ञात युवक का एक्सप्रेस वे के किनारे शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई।